सर चाय। सर एक जरूरी बात करनी थी सर, तनख्वाह। तनख्वाह क्या बात करनी है तुम्हें तनख्वाह के बारे में? सर माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है सर, उनके इलाज के लिए पैसे भेजने सर इस हफ्ते। तो इसमें मैं क्या करूँ? सर 1.5 साल से नौकरी कर रहा हूँ सर, इतने कम पैसे में सर अगर थोड़ा सा बढ़ जाता तो। किस लिए बढ़ा दूँ तेरी तनख्वाह में? ऐसा क्या है खास तुझ में? अरे ना तूने 12वीं की है, ना तुझे अंग्रेजी आती है। सर अंग्रेजी नहीं आती है पर काम तो सर मैं पूरा करता हूँ, और सर इतनी तनख्वाह में दिक्कत हो रही है सर। तो ठीक है एक काम कर, नौकरी छोड़ दे। सर नहीं छोड़ सकता तो चुपचाप जा और जाकर अपना काम कर, तनख्वाह बढ़ानी है इनको। क्या हुआ संदीप? क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो? बोलो किसने तुम्हें कुछ कहा क्या? मैम वो आज सुबह ना मैं राजन सर के पास गया था, मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे कुछ इलाज के लिए पैसे चाहिए। किस लिए बढ़ा दूँ तेरी तनख्वाह में? अरे ना तूने 12वीं की है, ना तुझे अंग्रेजी आती है। शुक्र कर मैंने तुझे यहाँ पे काम पे रखा हुआ है, वरना तुझ जैसे को तो कोई नौकरी ना दे। अब पता है मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं आती अंग्रेजी, मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा, सीखना चाहता हूँ समझ ही नहीं आता मैम मैं कहाँ सीखूँ कैसे सीखूँ, ऊपर से माँ के इलाज की और टेंशन है, पैसे नहीं हो पा रहे हैं कहीं से भी। कितने पैसे चाहिए? कम से कम 30,000 रुपये चाहिए। ठीक है मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मैम आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मैम मुझ पर, मैं धीरे धीरे आपके ना सारे पैसे चुका दूंगा मैम। तो तुम्हारी इंग्लिश को लेकर के भी कुछ बोल रहे थे ना, तुम उसकी चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऑफिस में इंग्लिश सिखा सकती हूँ। बोलो सीखोगे? ज़रूर सीखूँगा मैम, ज़रूर सीखूँगा। अरे संदीप कैसे हो? माँ कैसी हैं अब? माँ अच्छी हैं, आपको आशीर्वाद दे रही थी। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम फॉर हेल्पिंग मी एंड टीचिंग मी इंग्लिश, आई ऑल्सो हेल्प यू व्हेन यू नीड इट। अरे वाह तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी हो गई, वेरी गुड। पल्लवी तुमको सर बुला रहे हैं रिपोर्ट के लिए। अभी चलो मैं आती हूँ। ठीक है संदीप मैं चलती हूँ। हेलो सर आपने रिपोर्ट के लिए बुलाया था? हाँ रितु आई नो छुट्टी हो चुकी है लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, बैठो। सर रिपोर्ट डिस्कस कर लें। रिपोर्ट तो बाद में भी डिस्कस हो जाएगी, पहले कुछ और डिस्कस कर लें। सर ये आप क्या कर रहे हैं? देखो कितने दिन हो गए इस ऑफिस में काम करते हो तुम। सर मुझे यहाँ से चलना चाहिए। देखो मेरे साथ रहोगे ना तो जिंदगी में सफलता की सीढ़ियाँ बहुत जल्दी चढ़ जाओगी। सर प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। अरे यार मैं तुम्हारे ही फायदे के लिए कह रहा हूँ। अबे हाथ छोड़, हाथ छोड़ मैडम का पीछे। तू अंदर कैसे आया? बाहर निकल। नहीं जाऊंगा, और मैडम को दोबारा हाथ लगाए ना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। अबे साले गवार क्या करेगा तू? मैं तुझे अभी का अभी नौकरी से निकालता हूँ।
यू आर फायर्ड। अरे तुम क्या मुझे फायर करोगे? ये देखो, ये देखो तुम्हारी वीडियो। मैडम आप इधर आइए। अरे तुरंत डिलीट कर इसे, डिलीट कर अभी का अभी। नहीं नहीं, ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, ये पुलिस के पास जाएगी। और तुम क्या मुझे नौकरी की धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी नौकरी खुद छोड़ता हूँ। आई एम क्विटिंग योर जॉब। चलिए मैम। संदीप, संदीप मेरी बात सुनो। वो क्या करते तुम संदीप, तुम्हारी तनख्वाह? अरे जो भी बात कर रहे ना, थाने में जा करना। अरे संदीप, संदीप मेरी बात सुनो, संदीप, संदीप, संदीप मेरी बात तो सुनो संदीप। एक छोटी सी हेल्प भी बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो आपको अगर कभी भी मौका मिले तो लोगों की हेल्प करने से पीछे ना आए, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो लोगों की मदद। सो ऑलवेज कीप हेल्पिंग। दैट्स इट फॉर दिस फिल्म। आई सी यू गाइज नेक्स्ट वीक।